नमस्ते दोस्तों, आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। मैंने मिंत्रा से कुछ डेली वेयर्स ऑर्डर किए थे, तो उसका रिव्यू लेंगे और उसका फिटिंग्स वगैरह और उसमें कलर वगैरह जाता है या फिर कलर नहीं जाता है, तो सारी ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारे ड्रेसेस पहले दिखा देती हूँ। एक ये वाला प्रिंटेड में बहुत अच्छा लगा मुझे, ये मैं पहन कर भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका फिटिंग आ रहा है। अभी के लिए इसको खोल के देख लेते हैं इसका प्राइस वगैरह। और ये कॉटन का था, तो सारे मैंने कॉटन के ही मंगवाए हैं डेली वेयर में। तो ये भी एक था, इस तरफ से देखें तो ये ब्लैक में येलो कलर का फ्लावर प्रिंट है, ये एक भी कुर्ती है। और इसके साथ यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्रेश कलर है और इसमें बड़े बड़े फ्लावर डिज़ाइन पड़े हुए हैं। ये वाला भी एक बहुत अच्छा सा है, तो इसको भी मैंने ख़रीदा था। अब यहाँ पर ये वाला ब्लू कलर का है और इसके ऊपर प्रिंट है, सुपर कलर है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है। और यहाँ पर ये गाउन है जिसमें फ्लावर प्रिंट है और ये पूरा एंकल लेंथ तक था, तो इसका भी देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर और एक ड्रेस है, ये ड्रेस के साथ इसका पैंट इस तरह का सा पेयर है इसके साथ, और ये जो पैंट है कुछ इस तरह का है। इसका जो नीचे है यहाँ पर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग थोड़ा सा है और बटन एक लगा हुआ है, दोनों ही तरफ लगा हुआ है। और ये नीचे की तरफ रहेगा, पैंट में पॉकेट्स है, प्रिंट बहुत अच्छा है। और ये ऊपर का हिस्सा है, ये भी बहुत सुंदर सा है, ये मैंने एक मंगवाया था। और उसके साथ मैंने पेयर अप करने के लिए सारे लेगिंग्स भी मैंने ख़रीद लिए हैं, तो उसके साथ देख लेते हैं कौन सा क्या है। उससे पहले एक एक खोल के हम उसका फैब्रिक वगैरह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ब्लू कलर का जो है, ये रैपिडो मोड़ा रैपिडो का था, यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो 1399 का था और ये मुझे आया था 800 के आसपास आया था। तो ये कुछ इस तरह का है, इसके ऊपर का प्रिंट आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा है, हाथ में भी बहुत अच्छा सा प्रिंट लगा हुआ है और पूरा बॉडी प्लेन है मगर नीचे की तरफ फिर से प्रिंट है, इसमें बहुत अच्छा प्रिंट है। और बहुत ही स्मूथ कपड़ा है, कॉटन का बहुत ही स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं पहनकर आपको दिखा दूंगी, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा सा है। और इसका जो प्राइस वगैरह हमने अभी बात कर लिया है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। पहले सारे देख लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको पहन कर दिखा दूंगी, और उसके बाद ये कलर जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं वो भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो ये हो गया पहला वाला ड्रेस। अब दूसरा वाला यहाँ पर ये ब्लैक कलर का जो है, ये आहिका का है, ये आहिका का है। इसका जो एक्चुअल प्राइस जो था वो 999 का था और जो कि मुझे 679 के करीब आया था। ये भी बहुत अच्छा सा प्रिंट है, ब्लैक कलर का, सेम प्रिंट पूरे बॉडी में है, सिंगल फैब्रिक का, ब्लैक के ऊपर येलो का, बहुत सुंदर सा ये है। हाथ 3/4 है, पीछे जैसे मैंने पहले वाला दिखाया ब्लू कलर का उसी तरह का है 3/4। ये भी बहुत ही स्मूथ कटन है और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, नीचे से ऊपर तक पूरा एक ही कलर का है, तो ये भी बहुत अच्छा सा है। अब तीसरा यहाँ पर चलते हैं, ये वाला जो है, ये वाला भी आहिका का ही है और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1198 का, जो कि मुझे 698 के आसपास आया था। ये कॉटन है, बहुत ही अच्छा कॉटन है और हाथ वही 3/4 का है, यहाँ पर एक फोल्ड की तरह डिज़ाइन दिया गया है मगर ये खोल नहीं सकते हैं जैसे कुछ कुर्तों में होता है, यहाँ पर बटन रहता है, आप 3/4 कर सकते हो, फिर इसे खोलकर पूरा हाथ वाला भी कर सकते हो।
तो उस तरह का नहीं है, 3/4 ही है, और इसका भी पूरा बॉडी वैसे ही सेम प्रिंट है। अब जो फोर्थ वाला जो है वो वाला, ये हो गया ऑरेंज कलर का, इसका तो पैंट हमने बात कर लिया था। अब यहाँ पर ऊपर का, यहाँ पर ये देखिए डिज़ाइन है, और हाथ छोटा हाथ है, 3/4 नहीं है, एल्बो से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और पूरा बॉडी सेम प्रिंट है, हल्का सा ग्रीन और मेरून का प्रिंट लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और पैंट भी बहुत ही अच्छा है। इसका जो प्राइस था वो 2899 का था, और जो कि मुझे पड़ा था 1350 के आसपास आया था ये वाला। और इसका जो पैंट है यहाँ पर प्लेन है, पीछे की तरफ इसका इलास्टिक है ताकि आप इसको स्ट्रेच कर सके अपने हिसाब से। पॉकेट्स वगैरह दिए गए हैं इसमें, ये पैंट्स की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी कंट्रास्ट करके टॉप पहन सकते हैं इसको पैंट की तरह इस्तेमाल करके, और इस कुर्ती को आप ग्रीन कलर लेगिंग्स के साथ भी इस तरह से मिसमैच भी कर सकते हैं। और अब ये लास्ट वाला जो है गाउन, ये सेम प्रिंट पूरे बॉडी में है, सिफॉन का है, एंकल लेंथ तक है, और यहाँ पर कमर से ऊपर ये एक इलास्टिक दिया गया है। बाजू इसका स्लीवलेस है, मगर इस तरह का फ्रिल आपके छोटे हाथ जैसा स्लीव की तरह का लुक देगा, ये इस तरह से बहुत अच्छा सा एक लुक देगा, क्योंकि हाथ यहाँ पूरा स्लीवलेस है मगर उसके ऊपर का फ्रिल हल्का सा छोटे हाथ का लुक देगा, तो ये भी बहुत अच्छा सा है। अब सारे कुर्तियों के साथ मैंने जो ख़रीदा है जितना भी लेगिंग्स उसको देख लेते हैं, तो अब इसका भी देख लेते हैं ये क्या है। ये वाला जो है इसको, ये अनोक का है, और इसका जो प्राइस था, एक्चुअल प्राइस जो था वो था 1399 का था, और जो कि इस पे है, और मुझे 769 का आया था, और ये कॉटन लिखा हुआ था, मगर ये कॉटन पूरी तरह से नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब पॉलिस्टर मिला हुआ है, बाकी जो कुर्तियाँ जो है वो कॉटन ही है। और ये वाला विस्कोस का है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम है ये वाला, बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है। और ये तो सिफन हो गया, मगर ये वाला थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, थोड़ा गर्मी लग सकता है इसमें, इसमें कॉटन लिखा हुआ था फैब्रिक, मगर कॉटन है नहीं। इसका हाथ का डिज़ाइन ये है। सारे जब कुर्तियाँ घर में आए थे मैंने एक बार ट्रायल कर लिया था कि मेरे नाप के हिसाब से फिटिंग है या फिर नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से मैं इसको एक्सचेंज करवा सकती हूँ, तो सारे फिटिंग्स बहुत अच्छे थे, सिर्फ इसी का ही फिटिंग थोड़ा सा गड़बड़ था। एक बार मैं आपको पहना कर मतलब पहन कर दिखा दूँगी, फिर उसके बाद क्या गड़बड़ है फिर उसी में ही हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी इसमें पूरा बॉडी सेम प्रिंट है। तो ये सारे हो गए चीज़, अब इसका कलर टेस्ट कर लेते हैं सारे कपड़ों का, फिर उसके बाद मैं आपको पहन कर दिखा देती हूँ और किस में कैसा गला बैठ रहा है, किस तरह का हाथ फिटिंग रह रहा है, बॉडी फिटिंग कैसा है, सारे उसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रांसपेरेंट बोल ले लिया है जिसमें पानी डाल दूँगी, और एक एक करके सबको टेस्ट कर लेंगे कि कलर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो ये वाला सेम प्रिंट का है, तो एक तरफ हाथ से इसको मैं कोने से डाल के इसको भिगो के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें से रंग बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, बहुत ही अच्छा है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है मैं प्रिंट के साथ ही साइड से इसको डाल रही हूँ, ये वाला भी बिल्कुल भी रंग नहीं जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा सा है। अब ऑरेंज कलर का जो मैंने लिया था इसको भी डाल के देख लेते हैं,
इसमें से भी रंग नहीं जा रहा है। अब इस सिफोन में देख लेते हैं। इसमें भी रंग नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर ये वाला जो ड्रेस मैंने कहा था, ये बिल्कुल भी कॉटन नहीं है, इसको भी डाल के देख लेते हैं। इसमें से भी रंग बिल्कुल नहीं जा रहा है। अब ये वाला एंड वाला है जो, इसको भी देख लेते हैं। इसमें से भी बिल्कुल भी रंग नहीं जा रहा है। तो जितने सारे ड्रेसेस मैंने खरीदे हैं, किसी में से भी रंग नहीं जा रहा है। अब इसका फिटिंग्स वगैरह चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे कुर्तियों के साथ लेगिंग्स मैच कर लिए हैं। इन सारों को हम पहन कर देखेंगे। पास से अगर यहाँ पर जो पैंट है, आप इसके साथ कोई भी टॉप मिसमैच कर सकते हैं, और इस कुर्ती के साथ ग्रीन कलर का लेगिंग्स भी आप पहन सकते हैं। नीचे वाले कुर्ती के साथ ग्रीन, येलो, ब्राउन, डार्क पिंक जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डार्क पिंक कलर का लिया हुआ है लेगिंग्स इसके साथ का। अब यहाँ पर इस कुर्ती के साथ पिंक कलर, मॉव और ग्रीन कलर जाएगा, और वाइट कलर भी। तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर का लेगिंग्स लिया हुआ है। नीचे वाले इस कुर्ती के साथ आपका येलो कलर का लेगिंग्स जाएगा, तो इसलिए मैंने येलो लिया हुआ है। और इस लाल वाले कुर्ती के साथ ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर और रेड जाएगा, तो इसलिए मैंने रेड कलर का लिया हुआ है। और ये है गाउन। यहाँ पर ये जो रेड वाला कुर्ती है, इसी का ही फिटिंग सबसे ज़्यादा ख़राब था। मुझे इसके हाथ, ये 3/4 था, मैंने इसके हाथ को पूरा 3 इंच पूरा काट दिया है। काट के इसको छोटा कर दिया है, जो कि मतलब आपके एल्बो से नीचे है। इसका गला देखिए, ठीक से बैठ नहीं रहा है। हाथ ऊपर उठाओ तो साइड से कैसे ऊपर उठ रहा है, ऊपर से भी ऊपर उठ रहा है। तो ये फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर हाथ को मैंने जो काटा था, उसको मैंने मोहरी से लेकर नीचे तक लगाया है, क्योंकि मेरे फिटिंग के हिसाब से, मैंने जो मंगवाया था उसके हिसाब से इसका हाथ बैठ नहीं रहा था। इसका फिटिंग बहुत अच्छा है। गला छोटा है डेलीवेयर के लिए। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, गला सही से बैठ रहा है, हाथ का मूवमेंट सही है, और बॉडी का फिटिंग भी बहुत ही अच्छा है। कलर जिस तरह से पिक्चर में है, जेट ब्लैक, उस तरह का नहीं है, थोड़ा सा उससे डल है। इस कुर्ती में आप कलर देखिए, लग रहा है ग्रे के ऊपर है, मगर ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, मगर अच्छा लग रहा है। फिटिंग वगैरह, गले का फिटिंग एकदम सही है, बॉडी का फिटिंग भी सही है, हाथ सही से मूवमेंट हो रहा है, हाथ का फिटिंग, मोहरी वगैरह सब सही है इसमें। अब यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का जैसा पिक्चर था, उसी जैसा ही रंग है। फिटिंग वगैरह गले का सब सही है, बॉडी का भी फिटिंग, हाथ का भी बहुत ही अच्छा है। और ये बहुत ही स्मूथ वाला कॉटन है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इसमें जैसा कलर है वैसा ही ड्रेस है। पॉकेट इस तरह से दिया गया है। बॉडी और हाथ का फिटिंग बहुत अच्छा है, और पहनने में भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छा लग रहा है। गले पर एकदम सही से बैठ रहा है गला, और यहाँ पर ये मैंने बांध दिया है धागों को, और हाथ का मूवमेंट, मोहरी वगैरह एकदम सही है। अब गाउन की अगर बात किया जाए, गाउन में देखिए बहुत ही डार्क कलर का ये ब्लैक कलर है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा डल है। इसका कलर जेट ब्लैक बिल्कुल भी नहीं है, मगर ठीक ठाक है, चलेगा। और यहाँ पर ये देखिए फ्रिल किस तरह से हाथ का लुक कर रहा है। बॉडी और गले का फिटिंग एकदम सही है। बस इन सारे कपड़ों में वही रेड वाला कपड़ा, उसमें हाथ मैंने अपने साइज़ से बड़े साइज़